अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, आज हमारे किचन में बनने जा रहे हैं ज़ीरा बिस्किट, जिसके इंग्रेडिएंट्स हम नोट डाउन कर लें। यहाँ पर स्क्रीन पर सब इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी मेंशन है। हम घी लेंगे, पिसी हुई चीनी, बेकिंग पाउडर, ज़ीरा, 1 पिंच हम सॉल्ट लेंगे, 1 अंडा और 1/4 कप मैदा लेंगे हम। सबसे पहले हम एक बाउल में घी ऐड करेंगे, वनस्पति घी, लेकिन ये बिल्कुल मेल्ट होना चाहिए है। मेल्ट करके आपने इसकी क्वांटिटी 1/4 रखनी है और साथ ही हम इसमें शुगर ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे जब तक ये एक बहुत ही अच्छी सी क्रीमी फॉर्म में ना आ जाए। जी तो देखें, इस तरह की फॉर्म में आने के बाद हम इसमें अपने इंग्रेडिएंट्स ऐड करना शुरू करेंगे। यहाँ पर ज़ीरा, बेकिंग पाउडर और नमक डालेंगे और साथ ही इसमें 1 अंडा डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ऑयल की क्वांटिटी मैं आपको फिर से एक बार बता दूँ, आपने मेल्ट करके लेना है वरना ज़्यादा हो जाएगी। साथ ही हम इसमें मैदा ऐड करेंगे और स्पैटुला की मदद से हम अच्छी तरह से एक डो फॉर्म इसकी बना लेंगे। डो फॉर्म में आने के बाद भी अगर ये आपको थोड़ा नरम लगे तो आपने इसको फ्रिज में रख देना है तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए, ताकि जो इसमें हमने घी ऐड किया है वो थोड़ा सा हार्ड शेप में आ जाए। यहाँ पर मुझे थोड़ा सा ये नरम लग रहा है, इस वजह से मैंने इसको फ्रिज में रखा था। और उसके बाद ये देखें, ये बिल्कुल इसकी अच्छी सी डो फॉर्म जो है वो रेडी हो चुकी है। अब हम काउंटर पर थोड़ा सा मैदा स्प्रेड करेंगे और इसको अच्छी तरह से एक रोटी की शक्ल में बेल लेंगे। ये थोड़ा सा ज़्यादा पतला हो गया था, इसलिए मैं आपको बार बार घी पर ज़ोर दे रही हूँ कि वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए वरना आपको मैदा ज़्यादा लगाना पड़ेगा। उसके बाद हम इस तरह कुकी कटर हो या कोई भी इस तरह की चीज़ जिससे ये कुकी फॉर्म आ जाए, हम इसको कट करेंगे कुकीज़ को और एक पैन में बटर पेपर लगा के ये सारी कुकीज़ को हम इसमें लगा देंगे और 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम 10 से 15 मिनट के लिए इसको बेक करेंगे। तो जी ये देखें, इसका बहुत ही अच्छा कलर आया है। अगर आप ओवन में करेंगे तो ओवन का ऊपर वाला चूल्हा भी लाजमी जलाना है ताकि इसके ऊपर भी बहुत अच्छा सा कलर आए। उम्मीद करती हूँ रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी, ज़रूर ट्राई करें और साथ ही साथ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।